अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय ऑल न्यू सब्सक्राइबर्स और थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो आज मैं बना रही थी आलू चिकन और क्रेक कबाब, जिसमें मैं चीज़ भी यूज़ करूँगी। चीज़ से क्या होता है कि आपके जो कबाब हैं वो जुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो यहाँ उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी जो प्याज है उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया, साथ में सब मिर्चों को चॉप कर लिया और यहाँ पे हमने फ्रेश कोरिएंडर को चॉप कर लिया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने एक तरफ जो है वो आलू को बॉईल करके और चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया, उसमें हमने प्याज धनिया और जो सब मिर्चें हमने काट के डाली हैं वो हमने इसमें डाल दी। साथ में हमने इसमें एक चम्मच नमक का डाल लिया और इसमें हम ज़्यादातर काली मिर्च यूज़ करेंगे। अगर आप सिर्फ काली मिर्च भी यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ी सी डाली सुर्ख मिर्चें और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे खुश्क धनिया। अब हम खुश्क धनिया वगैरह को और थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें शामिल कर लेंगे हम लोग। तो अब ज़ीरा डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और यहाँ ये मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं भी डालना तो कोई। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप सबने मेरा चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्रॉस हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है। तो यहाँ जो था वो मैं मैश कर करके थक गई थी, तो इसमें मैंने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ी देर मैश करने। तो अच्छा, वैसे मैं ये बताना तो भूल गई कि ये मेरे घर दावत थी, तो उसके लिए मैं जो है वो कबाब वगैरह जो है वो एकदम पहले जो है वो बना कर रखती थी। तो यहाँ इसमें मैंने शामिल कर लिया अलमराई की चीज़, और ये चेडर चीज़ है। तो इसमें हम चीज़ को शामिल करने के बाद इसको हम एक और दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने उसको कबाब की शेप दे दी और अंडा लगा के फ्राई कर, और ये हमारे मज़ेदार से कबाब वो तैयार हो गए। अब यहाँ पे मैं डिज़र्ट की तैयारी कर रही थी, यहाँ मैं बना रही हूँ कस्टर्ड ट्राइफल। तो पहले तो मैंने सोचा था उसके ऊपर मैं जेली की ऊपर लेयरिंग करूँगी, लेकिन मेरी जेली जो है वो ठीक से बनी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने जेली को यूज़ नहीं किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टर्ड लेंगे, कोकोनट बिस्किट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ में 1 लीटर मिल्क को यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हम लोग वनीला पाउडर यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर ठंडा 1 कप दूध जो है वो डाल लिया है, जिसमें मैं 5 जो है वो चम्मच जो है वो कस्टर्ड के डाल लूँगी। यहाँ मैं फॉस्टर क्लास का कस्टर्ड जो है वो यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा कस्टर्ड है। मैं मतलब यहाँ आई हूँ तो मैंने फर्स्ट यही यूज़ किया और मैं पहले भी यही यूज़ करती थी, तो ये बहुत अच्छा कस्टर्ड है। इसका बड़ा ऐसे क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आता है बनाने के बाद। तो यहाँ हमने उसको 5 चम्मच को डाल के उसको ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इतना मिक्स कर लिया कि उसकी कोई जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो बाकी नहीं रहे। तो एक साइड से हमने क्या किया, हमने उस 1 लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया, जिसमें मैंने 1/2 कप चीनी का शामिल कर लिया। चीनी आप अपनी मर्जी से ऐड कर लिया, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं कम करें, बस जब दूध को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो उसको हम लोग कस्टर्ड को उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जो कोकोनट बिस्किट्स हैं मेरे पास, प्लेन बिस्किट्स हैं कोकोनट फ्लेवर में, आप बिल्कुल प्लेन मैदी बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन बिस्किट्स को मैंने अच्छी तरह से फूंक लिया, मतलब बिल्कुल जरे जरे से बना दिया, और उसके बाद हम उसको एक बाउल में शामिल करेंगे। अच्छा, इन इसका एक ट्रिक ये भी है कि आप बिस्किट के ऊपर मेल्टेड बटर को डाल लें, जिससे जो आपके जो बिस्किट्स होंगे वो बैठ जाएंगे, उनकी जो एक प्रॉपर एक लेयरिंग सी आ जाएगी, जैसे चीज़ केक्स वगैरह में आ जाएगी। तो ये बड़े अच्छे बिस्किट हैं, अगर आप लोग अगर आप उनको पसंद भी यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ पे हम लोग बस के बाद इसको एक प्रॉपर सी बैठी हुई लेयरिंग दे देंगे एक फ्लैट चम्मच के साथ। तो बस ये मैंने साथ में बनाए थे मटर वाला पुलाव, साथ में मैंने चिकन सालन बनाया था, साथ में मैंने कबाब बनाए थे, साथ में डिज़र्ट बना लिया था। तो यानी एक अच्छी दावत की प्रिपरेशन हो गई थी। मैं जो क्या करती हूँ, मैं डिज़र्ट और कबाब वगैरह का जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं एक दिन पहले बना कर रखती हूँ। यहाँ हमने क्या किया, हम कस्टर्ड को दूध वाले में डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पे जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग उसको डिश आउट कर लेंगे।
यहाँ हमारा जो है वो कस्टर्ड तकरीबन रेडी हो गया और यहाँ इसके बबल्स आने लग पड़े हैं। अब मैं क्या करूँगी इसको उसी कस्टर्ड सॉरी बिस्किट वाले बाउल में जो है उसके ऊपर गरम गरम कस्टर्ड को मैं डाल दूंगी, जिससे क्या होगा बिस्किट्स में वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। और बिस्किट्स जब बैठ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख देंगे या फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उस पे फिर आप जेली की या चॉकलेट की कोटिंग कर दें, सॉरी टॉपिंग कर दें। यहाँ मैंने क्या किया चॉकलेट को उसको मैंने क्रश करके डाल दिया और बाकी क्यूब डाल दिए। और ये है हमारा प्यारा सा खाना तैयार, मटर पुलाव, चिकन के सालन है, शोबे वाला सा कबाब थे, रायता था, यहीं तक खाना बन गया। यहाँ क्या हुआ रात के टाइम हमें पाकिस्तान की याद आ गई और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को भूल ना जाएं। तो यहाँ ये लोग क्या हुआ रात को लाइट चली गई जो कि 2-3 घंटे यही रही। शुक्र है हमारे पास लाइट वगैरह थी तो थोड़ा सा आफ्ता हो गया था, वरना तो पापा ने रो 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 के हम लोग को पागल कर देना था। लाइट बहुत देर गई रही थी, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद थी, बहुत मुश्किल से टाइम गुजरा था। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।